तो 1,44,308 लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और ये किसके कारण, तो किसी ने। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल ड्रीम टू जॉब पे। तो दोस्तों, झारखंड पुलिस 2024 का जो है यहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है। आप सभी लोगों ने, जितने भी लोग होंगे जो 4919 पदों के लिए भरा था झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म, उसका जो है रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया है, ठीक है। अब इसमें जो लाखों बच्चों का है दोस्तों सपना टूटा है, लाख प्लस फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ है। कैसे आपको चेक करना है, आपका भी नाम उसमें है कि नहीं कर है, ठीक है, और किस तरीके से चेक करना है, क्यों इतना फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको PDF दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, खाली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ही दिखेगा, ठीक है, और क्यों रिजेक्ट हुआ है तो ये भी हम बताएंगे, यहाँ पे कारण भी दिया हुआ है। और इसके दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जा करके देख सकते हैं, JSSA की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है चल रहा है व्हाट्स न्यू करके, यहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, वैसे तो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों चलते हैं यहाँ पर, सीधा आपको बताते हैं कि आखिर इतना फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है, क्या गलती किए थे आप सभी लोग। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 17/2023, ये आपका है जो नोटिफिकेशन आया था झारखंड पुलिस के लिए, ठीक है। और ये जो दोस्तों नोटिस है, ये आपका है 20/6/2024, यानी आज के ही दिन में ये नोटिस आया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, नीचे में पूरा जो है बताया हुआ है कि हम जो आप लोगों का फॉर्म वो क्यों रिजेक्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 22 जनवरी 2024 से दिनांक 21 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए गए थे, साथ ही समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में दोस्तों संशोधन की तिथि दिनांक 26/2/2024 से 28/2/2024 की मध्य रात्रि तक डेट दिया हुआ था, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि हम जो है 22 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक ऑनलाइन करने के लिए आपको समय दिए थे, और सुधारने के लिए 26 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी, ठीक। आवेदकों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यथास्थित फोटो एवं हस्ताक्षर फोटो सिग्नेचर अपलोड किए बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तथा इसके अभाव में संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता आयोग द्वारा जो है रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए जिम्मेदार खुद होंगे। ये इसलिए लिखता है कि आप सभी लोग इस पर केस उस दोस्तों ना करें JSSC पे, ठीक है, क्योंकि आपको सुधारने का भी टाइम दिया था। दूसरा में देखते हैं दोस्तों, उक्त सूचना एवं सुविधा के बावजूद भी आवेदकों द्वारा आवेदन का प्रारंभिक चरण ही पूरा किया गया, परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया गया, परीक्षा शुल्क भुगतान के उपरांत फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया, एक से अधिक आवेदन जमा किया गया, उक्त सभी आवेदकों से प्राप्त आवेदन रद्द किया जाता है जिनकी सूची लिस्ट में नाम है, ठीक है। मतलब दोस्तों किसी ने जो है पेमेंट ही नहीं किया, किसी ने डुप्लीकेट फॉर्म भर दिया, एक से ज्यादा फॉर्म भर दिया, किसी ने पेमेंट किया लेकिन फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया, तो उसके कारण दोस्तों यहाँ पर जो है उनका फॉर्म रद्द हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसमें दोस्तों हो सकता है कि आपका भी नाम हो सकता है बहुत लोगों का नाम नहीं हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितने लोग सेफ जोन में हैं, कितने लोगों का नहीं है इसमें नाम, क्योंकि टोटल जो आपका दोस्तों फॉर्म हुआ है रिजेक्ट वो कितना हुआ मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है टोटल नंबर वो कितना है, तो 1,44,308। अब आप लोग सोच लीजिए कि 1,44,308 विद्यार्थी तो ऐसे ही बाहर हो गए कंपटीशन से, ठीक है। कितना था, तो 1,44,308 लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और ये किसके कारण, तो किसी ने फोटो अपलोड नहीं किया था, किसी ने एक से ज्यादा एप्लीकेशन भरा था, किसी ने पेमेंट करने के बाद फोटो अपलोड नहीं किया था, किसी ने पेमेंट ही नहीं किया था, तो ये सभी कारण है 1,44,308 स्टूडेंट का, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपको चेक किस तरीके से करना है कि आपका नाम है कि नहीं, तो ये जो PDF दिख रहा है, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और ये PDF आप जैसे ही ओपन करेंगे तब यहाँ पर आपको दोस्तों एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा आपके फोन में भी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा फोन में, तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, जब मतलब आपने फॉर्म भरा था तो उसमें एक आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये है एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका सारा कुछ है, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा होगा, ठीक है, तो यही वाला रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं अपना ही चेक करता हूँ, 81 65 47 16, ठीक है, 81 65 47
16। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम डाल देते हैं 81 65 47 16। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं जैसे ही डाला अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ पर जो है कलर नहीं हुआ। ठीक है, और जैसे दोस्तों आप अगर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और इसमें से दोस्तों आपका कहीं भी कलर हो गया अगर बाय चांस, तो समझ लीजिए कि आपका दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो कैसे चेक करना, मैंने आपको बताया कि अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना है और यहाँ पर डालने के बाद सर्च पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपका मैच कर गया एप्लीकेशन नंबर तो वो कलर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपका रिजेक्ट हुआ। जैसे कि मैं इसमें से एक आग दो नंबर मिटाता हूँ तब देखिएगा बहुत सारा कलर होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखिए सिर्फ मैं 81 यहाँ पर डाला तब देखिए बहुत सारा जो देखिए कलर हो रहा है ना, 81 तो शुरू में है लेकिन आपको पूरा डालना है तो मेरा कितना था 81 65। देखिए 81 65 डाले तो यहाँ पर देखिए एक आ रहा है लेकिन यहाँ पर शुरुआत लास्ट में 81 65 है, मेरा शुरुआत में था तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। इस तरीके से दोस्तों आपको भी चेक करना है कि आपका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आपको देखिए जिनका भी रिजेक्ट हो गया है, जिनका दोस्तों रिजेक्ट हो गया है उनसे बस यही विनती है कि आप सभी लोग नेक्स्ट बार से कोई भी फॉर्म भरे ना तो बहुत ही आप आराम से भरिएगा और कोई भी यहाँ पे जल्दीबाजी मतलब चूल नहीं मचाना है कि डेट खत्म हो जाएगा। बहुत डेट आपको मिलता है फॉर्म भरने के लिए कोई भी चीज का, एक आप संपूर्ण एप्लीकेशन भरिए आपको नहीं आता है तो आप जा करके साइबर कैफे में भरवाइए, लेकिन आप कर लीजिए। और जब सुधारने का डेट आता हो तब एक बार अपने एप्लीकेशन को देखिए, अगर कुछ उसमें गलती रहता हो तो आप जरूर उसे जो है करेक्शन करवा ले। ठीक है, और दोस्तों जिनका रिजेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है, ठीक है, जिनका रिजेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है तब दोस्तों वो आप लोग जो है दौड़ में लग जाइए बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका जो दोस्तों जुलाई में जो है आपका रनिंग जो है पूरा दोस्तों करा लिया जाएगा। ठीक है, जुलाई में दोस्तों आपका करा लिया जाएगा। ठीक है, तो जिनका मैंने यहाँ पे बताया कि रिजेक्शन लिस्ट में जिनका नाम आया है, जिनका नहीं आया आप लोग चेक कीजिएगा, और जिनका भी इस रिजेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया दोस्तों तो अब आप लोग तैयारी करने में लग जाइए, और जिनका दोस्तों आया है तो उनके लिए तो दुखद खबर है ही, लेकिन आप लोग थोड़ा अपने आप को भी गलती दीजिएगा क्योंकि आपके गलती के ही कारण ये सब होता है, ना कि बोर्ड वाले लोग करते हैं। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा आज के इस वीडियो में पूरा जानकारी जो कि मैंने आपको बताया रिजेक्शन लिस्ट के बारे में। अब ये आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किसका किसका इस रिजेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, भगवान करे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो बस फिलहाल दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था, हम फिर से मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।